जी, टुडेज टॉपिक इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इसके बाद मैं आपको ग्रूनर्स की थ्योरी भी कराऊंगी और फिर ICT का यूज़ टीचिंग में. ये दोनों एक लर्निंग की थ्योरी है और मॉडल ऑफ टीचिंग भी मैं उसमें आपको बताऊंगी. तो ये वाली जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा यूनिट वन का है, मतलब पेपर वन का है, और थोड़ा सा जो है वह असेसमेंट और टीचिंग वाला आएगा. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म से तुम वर्ड से समझ रहे होगे कि क्या होता है. रचना करना, कंस्ट्रक्ट करना, मतलब बनाना. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक अप्रोच है, ठीक है, जो लर्निंग के ड्यूरिंग ही होती है, लेकिन जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक्टिवली उसमें इंक्लूड होते हैं, अपने नॉलेज को खुद बनाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू. ठीक है, जो लर्नर है वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी नॉलेज को क्रिएट करता है. ठीक है, वो ऐसा नहीं है कोई बोला उसने सुन लिया और उसने नॉलेज बढ़ा ली, पढ़ लिया नॉलेज बढ़ा ली, नहीं. वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क के थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेके अपना जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू वो अपनी नॉलेज को बढ़ाता है, बनाता है. अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट की, तो जो आइडियाज़ हैं वो एरेंट्स कहते हैं. ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो बिलीव करता है पर्सनल मीनिंग बनाने में. जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है उसके बाद, अब जैसे कोई एक प्राइवेट स्कूल का एक कंसेप्ट ले लो, प्राइवेट स्कूल का कंसेप्ट लेके अगर आप चार लोगों को बिठाओगे प्राइवेट स्कूल से, आप क्या समझते हो? तो आप चारों का व्यू देखोगे तो वो अलग आएगा. हो सकता है एक का सेम भी आ जाए, दो का सेम आ जाए, ठीक है, लेकिन सबका सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा. तो ये क्या है? ये कहने का मतलब यही है कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लोगों के, वो उन एक्सपीरियंसेस को लेके, उनको जोड़ के वो अपनी एक नई नॉलेज क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म. ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो पहले वाली नॉलेज या नए इवेंट या अलग अलग एक्सपीरियंसेस से जो भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हमारे साथ होते हैं, उनसे जो भी हम सीखते हैं उसको जोड़ के हम अपनी नॉलेज क्रिएट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई हमने एक जगह पढ़ा था कि DU में एडमिशन होता है, तो वहाँ जाके एडमिशन, वहाँ पे क्लासेस में बिल्कुल अच्छे से क्लासेस होते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करते हैं. जब एक्चुअली में पाया तो चार कॉलेज, देखिए DU के चार कॉलेज में चार बच्चे जाते हैं, अलग अलग जाते हैं. एक बच्चा कहता है कि हाँ हमारे यहाँ क्लासेस बहुत अच्छे से होते हैं, एक कहता है कि अरे आता है आधे घंटे पढ़ाता है टीचर चला जाता है, कोई फ़ायदा ही नहीं है. एक टीचर कहता है कि यार हमें तो बस नोट्स प्रोवाइड होते हैं. तो चारों के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, और चारों के एक्सपीरियंसेस अलग करके एक जो बच्चा है वो ये बनाता है कि DU इज़ गुड, DU की डिग्री का बहुत महत्व है, लेकिन वहाँ पे उतना कंटेंट हमें नहीं मिल रहा, बल्कि जो देखें अगर हम नेगेटिविटी ज़्यादा वहाँ देखने को मिलती है, बच्चों की आदतें हैं वो बिगड़ जाती हैं क्योंकि रेगुलर कॉलेज जाते हैं ये वो. तो उसने ये बना लिया और उसने कहा कि नहीं यार मेरा तो फोकस है अपनी फैमिली को देखते हुए, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो मैं तो इस चीज़ में ज़्यादा डीपली घुसूँगा कि मुझे, मैं नॉन से कॉलेजिएट कर लूँ जिसमें मुझे डिग्री भी मिल जाएगी TU की, और मैं फिर साथ साथ मैं SSC की या CHSL की ऐसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ. और ये तो ये क्या है, उसने एक्सपीरियंसेस देखे, ऑब्जर्वेशन ली, और डिफरेंट डिफरेंट चंक्स ऑफ एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल इंटीग्रेट करके फिर अपना एक नई नॉलेज को बनाया. ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट है हमारे पास. ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट में हमारे कौन कौन है? एक सेकंड, जी
जी, तो अगर हमारी साइकोलॉजी में देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज जो जो किस किस ने दी हैं, वो हैं पहले कि प्याजे इसकी जो स्टेजेस है डेवलपमेंट की, वो मतलब जो प्याजे हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वो ये कहते थे कि नॉलेज बच्चा अपने आप बनाता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। फिर ले वाइगोत्स्की हैं जो सोशल लर्निंग में कंस्ट्रक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि सोसाइटी से बच्चा मिल के सोसाइटी में रह के इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखता है। फिर आता है जोन ऑफ प्रैक्चुअल डेवलपमेंट जो ले वाइगोत्स्की ने ही दिया है। फिर जेरोम ब्रूनर आता है, जो जेरोम ब्रूनर है उन्होंने भी लर्निंग की ही थ्योरी दी है और कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन इनेट और पैसिवली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ये कहते हैं कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है, सिर्फ इसको इनेट नहीं करते, मतलब इसको हम ये इंटरनल नहीं होती, इनेट नहीं होती, मतलब इनको रटा नहीं जाता, अंदर नहीं होती, और पैसिवली एब्जॉर्ब्ड उसको बल्कि एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, उसको परखा जाता है, सोचा जाता है, नॉलेज तब बनती है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म है उनका सेंट्रल आइडिया है, जो मेन आइडिया वो है कि जो ह्यूमन लर्निंग है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, जो इंसान जो लर्न करते हैं वो रचनावादी होते हैं, वो रचना करते हैं, टुकड़ों में सीखते हैं, दैट लर्नर बिल्ड न्यू नॉलेज, जो लर्नर है वो नई नॉलेज को अपनी प्रीवियस लर्निंग के हिसाब से उनके उसकी फाउंडेशन पे वो नई चीज़ें सीखता है। जो प्रीवियस नॉलेज होती है वो इन्फ्लुएंस करती है कि नई नॉलेज कैसी होगी, कैसे हमें नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, लर्निंग कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। तो सेकंड नोशन है कि लर्निंग एक एक्टिव रेदर देन पैसिव प्रोसेस, वो सेम है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, जो कोई माइंड से एक्टिव रहता है, जो कोई सोचता है कि हाँ मुझे ये काम करना है और वो करता है, तो वो लर्निंग है, ठीक है। जो पैसिव व्यू है टीचिंग का जो लर्नर दिखाता है, तो ये कहा जाता है कि लर्नर एक एम्प्टी वेसल होता है, खाली बर्तन होता है, जिसको हमें नॉलेज से भरना होता है। और जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कहते हैं कि लर्नर कंस्ट्रक्ट करता है, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग ओनली थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, कि खुद जो खाली बर्तन है वो खुद से नहीं भरेगा, उसको जब वो इंटरेक्ट करेगा वर्ल्ड के साथ, एक्सपेरिमेंट्स करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जब वो अपने तरीके से अपनी तरफ से एफर्ट्स करेगा, तब जाके जो लर्नर है वो मीनिंगफुल लाइफ को एब्जॉर्ब करेगा और वो नई नॉलेज को क्रिएट करेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मे बी पैसिवली रिसीव्ड बट अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी, देखो इन्फॉर्मेशन तो पैसिवली रिसीव की जाती है, कोई तुम्हें सूचना देता है, लेकिन तुम्हें समझना क्या है, तुम उसको समझ कैसे रहे हो, वो चीज़ के कोई एक कंसेप्ट को समझना वो पैसिवली नहीं होता, वो डायरेक्टली करना पड़ता है, ठीक है। तो फोर इट मस्ट कम फ्रॉम मेकिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस बिटवीन तो प्रीवियस नॉलेज से, जो तुम्हारी पहले की नॉलेज है, नई नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज के थ्रू आप नई कनेक्शंस बनाओ, मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाओ, और उसके बाद जो, और हमेशा देखना जब भी क्लास में होते हो तब जब टीचर आएगी तो वो पहले वाले टॉपिक को जरूर थोड़ा सा डिस्कस करेगी, फिर नई चीज़ को इंक्लूड करेगी, नई चीज़ बताएगी। तो ये लर्निंग में सबसे पहला काम ये इन्वॉल्व होता ही होता है कि प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से कनेक्ट करना है। और जितनी भी नॉलेज होती है, जितना भी ज्ञान है, वो सामाजिक रूप से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, ठीक है, ये वो है जो हम सब साथ करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक साथ, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई अकेले बैठा है, अलग बैठा है तो लर्निंग हो जाए, नहीं, लर्निंग हैपन्स व्हेन वी डू टुगेदर, व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, व्हेन वी टॉक विद ईच अदर, ठीक है। जैसे वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की बिलीव करते हैं कि जो कम्युनिटी है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है लर्निंग के प्रोसेस में। वाइगोत्स्की की तरफ से अगर देखें तो जो इन्वायरमेंट है जिसमें बच्चा ग्रो करता है वो इन्फ्लुएंस होता है उससे, और उसी के बाद वो सोचना शुरू करता है, ठीक है। तो जो जितनी भी टीचिंग और लर्निंग है, ठीक है, उसमें सोशली हमें एक्टिव रहना पड़ता है, हमें शेयरिंग करनी पड़ती है, सोशली इंटरेक्ट करना होता है, तभी अपनी नॉलेज को क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि देखो ले वाइगोत्स्की की अगर तुमने थ्योरी पढ़ी हो
तो उसकी थ्योरी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कि एक काम है, मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दे दिया, मैंने बोला कि तुम ये प्रोजेक्ट कर लो, और वो बच्चा अपने एफर्ट्स जाके प्रोजेक्ट करके लेकर आया, ठीक है। फिर मैंने एक बच्चे को बोला कि बच्चे ये प्रोजेक्ट करना है, और ये मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका बता रही हूँ कि इसमें ये चीज़ें तुम्हें हेल्प करेंगी, और कुछ मैंने हिंट दे दी, और वो बच्चा करके ले आया। तो जो बच्चे की उस टाइम नॉलेज थी, और जो मैंने हिंट दिया उसके, उस नॉलेज और जो हिंट देने के बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके बीच का जो गैप है, जो टाइम है, जो गैप है, वो होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, कि कितना जोन में कितना उसने डेवलपमेंट किया है, ठीक है। ले वायगोत्स्की का एक तो MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, और ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग, ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब ये ब्रूनर की थ्योरी में अब हम इसको पढ़ेंगे, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जितनी भी नॉलेज होती है वो पर्सनल होती है, हर इंडिविजुअल लर्न करता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने तरीके से, जो उसकी नॉलेज होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग से। इसका मतलब ये है कि सेम लेसन जो पढ़ाना है, जो एक्टिविटी है, वो अलग अलग तरीके से हर इंसान पढ़ता है, हर इंसान अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझता है। भैया अब कोरोना चल रहा है और कितने बुरे हालात चल रहे हैं तुम सबको पता है, तो जो ये हालात चल रहे हैं इस पे किसी का तो होगा ये तो केजरीवाल की वजह से हो रहा है, किसी का होगा ये मोदी की वजह से हो रहा है, किसी का होगा कि यार अब बेवकूफ़ है लोगों ने ही लापरवाही बरती है तो इसीलिए हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, लोग अपने अकॉर्डिंग सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जज करते हैं, सब कुछ सोचते हैं, और फिर एक अपना कंसेप्ट बना लेते हैं, ठीक है, तो वो लर्निंग है फिर, ठीक है ना। अब देखो अब आता है क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा अलग अलग चीज़ों को। जो प्रिंसिपल अपीयर होता है कि नॉलेज सोशली कंडक्ट की जाती है, उसमें क्या है, जो फॉक्स हैं ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो साइकोलॉजी के लिए काम करते हैं, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं उनकी पर्सनल हिस्ट्री होती है लर्निंग की अपनी, ठीक है, नेवरलेस दे कैन शेयर इन कॉमन नॉलेज, लेकिन फिर भी वो मतलब कॉमन नॉलेज को शेयर करते हैं, एंड दैट ऑल दोज एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल फैक्टर्स, नेवरलेस कल्चर आर मेड अप ऑफ सब कल्चर्स इवन टू द पॉइंट ऑफ बींग कम्पोज बाय सब कल्चर्स ऑफ वन कल्चर्स एंड देयर नॉलेज बेस आर कंस्टेंटली इन अ प्रोसेस ऑफ चेंज एंड द नॉलेज स्टोर्ड बाई इंडिविजुअल्स इज नॉट अ रिजिड कॉपी ऑफ सम सोशली कंस्ट्रक्टेड टेम्पलेट इन लर्निंग अ कल्चर ई चाइल्ड चेंज दैट कल्चर। अब देखो ये आर्ग्यू करता है इस बात पे कि हर किसी की पर्सनल हिस्ट्री होती है लर्निंग की, हर किसी की एक कॉमन नॉलेज होती है, और जिसमें कि ये कह रहे हैं कि एजुकेशन एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब एक दूसरे से नॉलेज को शेयर करते हैं, ठीक है, और नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि एजुकेशन में भी जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो फैक्टर क्या है, कल्चर, कल्चर के भी सब कल्चर, क्योंकि हर बच्चे का घर का कल्चर अलग होता है, तो हर किसी के एक्सपीरियंसेस भी अलग होंगे, हर किसी के नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का तरीका भी अलग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड, लर्निंग माइंड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ये बताती है कि नॉलेज जो है वो ह्यूमन माइंड में होती है, ठीक है, एंड दैट इट डज़ नॉट हैव टू मैच एनी रियल वर्ल्ड रियलिटी, और ये ज़रूरी नहीं है कि रियल वर्ल्ड से की जो रियलिटी है उससे मैच करे, ठीक है। मतलब जो इंसान दिमाग में सोचता है ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअली होता हो, एज दे परसीव, ठीक है, नहीं, लर्नर्स विल बी कंस्टेंटली ट्राइंग टू डेवलप देयर ओन इंडिविजुअल मेंटल मॉडल ऑफ द रियल मॉडल फ्रॉम देयर कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। जो भी वो संसार में देख रहे हैं उसके बाद वो देख के भी एक अपना एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, अपना कंसेप्ट बनाते हैं, ठीक है, ये उनका खुद का दिमाग है और उसी के थ्रू वो अपनी नॉलेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। एज दे परसीव ईच न्यू एक्सपीरियंस, जैसे वो नया एक्सपीरियंस लेते हैं तो लर्नर कंटिन्यूअली अपडेट करता है अपने मेंटल मॉडल्स को, ठीक है, कि दिमाग में क्या चल रहा है उनको अपडेट करता रहता है, जैसे उसको नई नॉलेज मिलती है और वो न्यू नॉलेज इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है, एंड विल देयरफॉर कंस्ट्रक्ट देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी, और उसके बाद वो अपनी रियलिटी को इंटरप्रेट करता है और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अब बताने कंस्ट्रक्टिविज्म के टाइप क्या होते हैं, मेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है।
टिपिकली अगर ये बोल रहे हैं कि दिस कंटिन्यूम इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, तीन तरीके से ये डिवाइड किया गया है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जो जीन पियाजे के वर्क्स पे से लिया है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो ले वाइगोत्स्की के से लिया है, और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, अगर GSI टीचिंग और रिसर्च सेंटर की उससे देखें हम, तो जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है वो स्टेट करता है कि नॉलेज कुछ है जो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है लर्नर की एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को। मतलब कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म वो है जब बच्चा अपने दिमाग में पहले से बैठी हुई एक परसेप्शन को, एक नॉलेज को, एक इन्फॉर्मेशन को नई वाली नॉलेज को बनाने में यूज़ करता है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिविस्ट जो टीचिंग होती है वो मेथड क्या है, उसका एम ये होता है कि वो स्टूडेंट को असिस्ट करे कि एजिमिलेट करे नई इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अपनी जो पहले से उसके अंदर एक नॉलेज है, पहले से उसके अंदर जो एक किसी एक चीज़, जैसे गाड़ी है, गाड़ी को लेकर तुम्हारा पहला परसेप्शन क्या है, तो उसके साथ नई नॉलेज को मिलाए और उनको एनेबल करे कि वो अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन करके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको और ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट में मिलके अकोमोडेट करके उसको नई इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करे। ये कॉग्निटिव टीचिंग मेथड है। फॉर एग्जांपल, आपने बच्चों को बोला कि प्लैनेट क्या होते हैं, बच्चे बता देंगे प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे यूनिवर्स में रहते हैं, और यूनिवर्स में रहने के बाद जो प्लैनेट्स होते हैं उनके नाम क्या हैं वो तुम नाम बता दोगे। फिर तुम बच्चों को बोलोगे कि अच्छा ठीक है तुम्हें नाम पता है, बताइए तुम्हें पता है फार्थेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा, फोर्थ नंबर पे कौन सा है। बच्चे कहेंगे नहीं हमें इतना तो नहीं पता। तो अब क्या करना है, जो बच्चे की नॉलेज है, अच्छा ठीक है बच्चों से पूछ पूछ के ही तुम सारे प्लैनेट्स के नाम लिखो। फिर बच्चों को फिर ये बताओ कि अच्छा देखो अब तुम्हें ये तो पता चल गया, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन सब के इन स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब के कलर कौन से होते हैं, कौन सा कितने नंबर पे आता है, कौन सा कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो बच्चा जब, और उस चीज़ को बताने के लिए तुमने एक मॉडल का यूज़ किया, तो तुमने एजिमिलेट किया एग्जिस्टिंग नॉलेज को। ठीक है, न्यू नॉलेज बनाया एजिमिलेट करके उस नॉलेज पूरे पुराने नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़ के, और उसके बाद अकोमोडेशन की जो आज का एनवायरनमेंट है उसके ज़रिए आपने एक टीचिंग एड लिया, और टीचिंग एड के थ्रू आपने बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में प्लैनेट्स के बारे में नई इन्फॉर्मेशन दी। ये है कॉग्निटिविस्टिक टीचिंग मैथड। ठीक है, अब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो लर्निंग एक कोलाबोरेटिव प्रोसेस है जो सब मिलकर करते हैं। नॉलेज इंडिविजुअल के इंट्रैक्शन से डेवलप होती है, उनके कल्चर और सोसाइटी के इंट्रैक्शन से डेवलप होती है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि हर फंक्शन जो बच्चे का है वो कल्चर डेवलपमेंट में दिखता है। ठीक है, और कैसे दिखता है, पहला ऑन द सोशल लेवल, सोसाइटी लेवल पे, ठीक है, और बाद में इंडिविजुअल लेवल पे, फर्स्ट लोगों के बीच में, फिर दूसरा बच्चे के बीच में। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि सोसाइटी में बच्चा जिस सोसाइटी में रहेगा बच्चा वैसे ही एक्सपीरियंसेस को लर्न करेगा, और जैसे वो रहेगा पहले तो उसका वो आउटर लुक होगा, वो पहले बार बार से बोलेगा हाँ ठीक है उसको समझ नहीं आएंगी बातें, लेकिन लाइफ टाइम तक जब वो बाद में उन्हीं रूल्स को, उन्हीं रेगुलेशंस को, उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करता जाएगा, तब जाके ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ये तो इसका इनेट भी ऐसा ही है, ये इसी कल्चर का है। ठीक है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है लेव वाइगोत्स्की वो ये बोलते हैं। फिर द नोशन ऑफ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो किसने डेवलप किया था, अर्नस्ट वॉन ग्लासफर्ड ने। वो कहते हैं कि जो जितने भी नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, परसीव नहीं की जाती सेंसेस के थ्रू। ठीक है, मतलब सेंसेस से आप नॉलेज नहीं लेते हो बल्कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हो। तो जो लर्नर है वो नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं किसकी फाउंडेशन पे, जो उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उनके बेसिस पे वो नई नॉलेज बनाते हैं। और जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं वो कहते हैं कि नॉलेज हर इंडिविजुअल क्रिएट करेगा, टेल अस नथिंग अबाउट रियलिटी, और वो रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, एंड ओनली हेल्प अस टू फंक्शन इन एनवायरनमेंट। वो सिर्फ इतना काम करेगा कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करके काम करो। ठीक है, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इसलिए नॉलेज इन्वेंट की जाती है ना कि डिस्कवर, ठीक है, खोजी जाती है। उसके बाद ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी इज़ ऑल द टाइम बीइंग मॉडिफाइड एंड इंट्रैक्टिंग टू फिट एंटोलॉजिकल रियलिटी, ऑल्दो इट कैन नेवर गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ इट। अभी कहते हैं कि जो ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है, मतलब जो ह्यूमन ने रियलिटी बनाई है, उसका हमें कुछ भी रियलिटी देखने को हमें नहीं मिलती है। ठीक है, ये वैसे फालतू लाइन थी, इसको मत कंसिडर करना। फिर आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच।
टीचिंग में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यूज़ कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग है, लर्निंग की जो थ्योरी है, वो अंडरपिन करती है वैरायटी ऑफ स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड को, ठीक है, कि कैसा मेथड होगा टीचिंग का, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होगा, ठीक है। टेक्निक्स कौन सी होंगी, टेक्निक्स ट्रेडिशनल एजुकेशन से रिलेटेड भी होंगी, और जो नॉलेज है वो पैसिवली दी जाएगी टीचर को स्टूडेंट से, मतलब डायरेक्टली आकर टीचर पढ़ा के चला जाए ऐसे नहीं, कुछ प्रैक्टिकल्स कराएंगे, असाइनमेंट्स देंगे, उसके थ्रू बच्चों को नॉलेज दी जाएगी। अब टीचर का कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में रोल क्या है, देखो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टीचर की है वो है कि कोलाबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट दे बच्चों को, ताकि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से एक टीचर एक्ट करेगा एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, इंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, फैसिलिटेट करेगा लर्निंग को। टीचर श्योर होगा इस बात के लिए कि वो बच्चे की जो एग्जिस्टिंग कंसेप्ट हैं उनको समझें, ठीक है, और एक्टिवली उनको यूज़ करके नई नॉलेज को बनाए। फिर वो कहते हैं कि टीचर को स्कैफोल्डिंग जो है उसको अफेक्टिव टीचिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे अडल्ट कंटिन्यूली एडजस्ट करेंगे बच्चों के लेवल को और उनको हेल्प करेंगे उनकी परफॉर्मेंस में, ठीक है। फिर क्लासरूम में स्कैफोल्डिंग इंक्लूड करेगी मॉडलिंग स्किल्स, हिंट्स और क्लूज देगी, ठीक है, मटेरियल देगी एक्टिविटी के लिए जो भी यूज़ करने होंगे बच्चों को। अब फीचर्स क्या हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसी होगी। टैम कहता है कि चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट के, ठीक है, जो कंसिडर किए जाते हैं जब कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्लासरूम में, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट दोनों नॉलेज शेयर करें, टीचर और स्टूडेंट अथॉरिटी को भी शेयर करें, टीचर और स्टूडेंट, टीचर का जो रोल हो फैसिलिटेटर का हो, लर्निंग ग्रुप जो हो वो स्मॉल नंबर्स में हो और हेट्रोजीनियस में हो, मतलब अलग अलग ग्रुप के अलग अलग एज के बच्चे हों, ठीक है। अब आता है पैडागॉजिकल गोल क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के। पैडागॉजिकल मतलब पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने में हॉर्नबिन समराइज करते हैं 7 पैडागॉजिकल गोल्स जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट में होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला के नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के साथ साथ आपको उनको एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, कि बच्चे कैसे पढ़ें कैसे सीखें। उसका सेकेंड है एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना और अप्रिसिएशन देना अलग अलग काम के लिए, ठीक है। तो यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं उसके लिए उनको इवैल्यूएट करना है। फिर टू एम्बेड लर्निंग इन रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट, ऑथेंटिक टास्क देके उनको लर्निंग करवानी है। कोई आपने असाइनमेंट दिया, कोई प्रैक्टिकल दिया, कोई रोल प्ले मेथड करवा दिया, कोई प्ले वे मेथड करा दिया जिसके थ्रू बच्चा लर्निंग करेगा। टू एनकरेज ऑनरशिप एंड अ वॉइस इन द लर्निंग प्रोसेस, ऑनरशिप को डेवलप करना है, एनकरेज करना है, ठीक है, उत्साह बढ़ाना है बच्चों का कि बच्चों आप ये खुद करके देखो, ये वाला क्वेश्चन खुद करो, खुद मुझे बताओ, उसकी प्रीवियस नॉलेज को उनसे निकलवाना कि उनको कितना पता है। टू एम्बर्ड लर्निंग इन सोशल एक्सपीरियंस, मतलब कोलाबोरेशन यूज़ हो, वीडियो ऑडियो टेक्स्ट यूज़ हो, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन, मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन का मतलब थिंकिंग ओवर थिंकिंग, जो तुमने सोचा हुआ है ना उसको भी एक बार और सोचो, अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तो अपने आप ही कंस्ट्रक्शन होगी न्यू नॉलेज की, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक कराती हूँ, अब एक बार आपको ब्रूनर की थ्योरी करा रही हूँ। ब्रूनर की थ्योरी में जो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, देखो इनका नाम जॉर्मी ब्रूनर था जिन्होंने लर्निंग की थ्योरी दी थी, ठीक है, फिलॉसफी और साइकोसोशल प्रेजेंटेटर थे उनके, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल क्या है इसके, क्योंकि थ्योरी के इंस्ट्रक्शन मस्ट बी, इसमें प्रिंसिपल याद रखने बहुत ज़रूरी है बेटा, इंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंसर्न विद एक्सपीरियंसेस एंड कंटेक्स्ट दैट मेक द स्टूडेंट विलिंग एंड एबल टू लर्न। मतलब बच्चों में आप इस तरीके से इंस्ट्रक्शन उनको दोगे कि बच्चों में पढ़ने की लालसा जगे, ठीक है, बच्चे इच्छा हो कंटेक्स्ट को पढ़ने की, एक्सपीरियंसेस गेन करने की, समझने की, ठीक है। सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड सो दैट इट कैन बी ईजिली ग्रास्प्ड बाय द स्टूडेंट। इंस्ट्रक्शन जो हों वो स्ट्रक्चर्ड हों, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 से सीधा 4 पे ना हो, 3 से सीधा 5 पे 6 पे ना हो, एक स्ट्रक्चर से चले, A to Z सारी चीज़ें कवर्ड हों, ताकि बच्चे ईजिली ग्रास्प कर पाएँ, उसको समझ पाएँ। फिर प्रिंसिपल ऑफ जेस ब्रूनर का थर्ड है कि इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन होने चाहिए ताकि फैसिलिटेट
extrapolation and or fill in the gaps, going beyond the information information given. मतलब इस तरीके के instructions दी गई हों कि जो बच्चा explore करे खुद को, खुद की सोच को बढ़ावा दे, reflect करे अपने ideas को, ठीक है. फिर देखो ब्रूनर जो है उनका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क किसके बेस पे है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है और लर्नर कंस्ट्रक्ट करता है न्यू आइडियाज़ को या कंसेप्ट को उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज के थ्रू, ठीक है. तो जो थ्योरी है ये फैसेट ऑफ द प्रोसेस इंक्लूड सेलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब इसमें क्या क्या है प्रोसेस में, जिनकी थ्योरी है उसके प्रोसेस में क्या क्या है, सेलेक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, जनरेट करना, हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन से मीनिंग बनाना कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस ऐसे हों जिनसे मीनिंगफुल हम अपनी नॉलेज क्रिएट कर सकें. फिर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात की गई है. कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब स्कीमा मेंटल मॉडल्स, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है मीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंसेस को और अलाउ करता है कि इंडिविजुअल गो बियॉन्ड. देखो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो बच्चे के दिमाग में पहले से किसी, जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में बच्चा एरोप्लेन देखता है तो हम कह देते हैं हाँ दिस इज़ एरोप्लेन, एंड देन आफ्टर व्हेन ही सॉ अ बर्ड इन द स्काई देन ही से मॉम सी दिस इज़ अ बर्ड, दिस इज़ एरोप्लेन. तो माँ बोलती है कि नो नो इट इज़ नॉट अ एरोप्लेन, इट कैन फ्लाई, सी देयर इज़ अ स्विंग ऑफ द बर्ड एंड इट्स कलर इज़ ब्लैक एंड इट्स कलर इज़ वाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स दिखा के उसको वो बताती है. तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो बच्चे के अंदर स्कीमा है, जो मेंटल मॉडल है उसका अभी, तो उसमें ही एक्सपीरियंसेस को डाल के, उसके नई इन्फॉर्मेशन को डाल के उसको और सोचने पे थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है, और वो ताकि अपनी न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके. उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था कि जो मोटिवेशन है लर्निंग के लिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. उन्होंने कहा था कि अगर इंटरेस्ट होगा बच्चे का सब्जेक्ट मैटर में तो वो लर्निंग बहुत अच्छे से कर पाएगा. फिर ब्रूनर ने क्या किया, ब्रूनर को पसंद नहीं आया कि कम्पिटिटिव गोल्स हों जैसे ग्रेड्स या क्लास रैंकिंग, तो वो ये कहता है कि बच्चा ऐसा होना चाहिए कि जो वो लर्न करे विलिंगनेस से, अपने मन से लर्न करे, सिर्फ ग्रेड्स के चक्कर में क्लास में रैंक आए इसलिए ना करे, लेकिन वो इतना मोटिवेटेड होना चाहिए कि उसको लर्न करने में मज़ा आए, ठीक है. फिर ब्रूनर की थ्योरी के इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ब्रूनर थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की गई है इनकी, क्या है, पहला टेंडेंसी टुवर्ड लर्निंग, लर्निंग के प्रति टेंडेंसी होनी चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए कि हाँ लर्न करना है. द वेज इन विच अ बॉडी ऑफ नॉलेज कैन बी स्ट्रक्चर्ड सो दैट इट कैन बी मोस्ट रेडीली ग्रास्प बाय द लर्नर. अगर बच्चा ये सोचेगा कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मुझे ये पॉइंट पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये मेरे फ़ायदे का है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो लर्नर चीज़ों को जल्दी से समझेगा. मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंस क्या है कि जो मटेरियल प्रेजेंट करना है आपको वो अगर अच्छा होगा तो बच्चा लर्न करने में भी इंटरेस्टेड होगा, ठीक है. तो ये इंस्ट्रक्शंस ही हैं, क्लास में टीचर आ रही है, किस तरीके से टीचर आके बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रही है, किस तरीके से आके बच्चों को बता रही है, कैसे अपना टॉपिक प्रेजेंट कर रही है, कौन से ऑडियो विजुअल एड्स प्रेजेंट कर रही है, इसी के बेसिस पे तो बच्चा लर्न करने में बहुत अच्छा फील करेगा, ठीक है. फिर मिक्सेस द नेचर एंड पेसिंग ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये भी देखना है कि कैसे रिवॉर्ड्स देने हैं, कैसे पनिशमेंट देना है बच्चे को, ठीक है. उसके बाद लर्निंग मस्ट बी एक्टिव, ब्रूनर कहते हैं कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए. याजे ब्रूनर बिलीव करते हैं कि जो स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो डेवलपमेंट पे बेस्ड होती है. वो कॉग्निटिव ग्रोथ बताते हैं तीन तरीके की, ठीक है, तीन तरीके की कॉग्निटिव ग्रोथ आती है, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिम्बॉलिक. इनएक्टिव 0 to 3 होती है, आइकॉनिक 3 to 8 होती है, और सिम्बॉलिक फ्रॉम 8 साल से शुरू हो जाती है सिम्बॉलिक, ठीक है. फिर सेकेंड बताते हैं और डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है. तो लर्निंग मोड्स एक तरीके के ये हैं जो प्याजे और इन दोनों ने बताए हैं. इनएक्टिव लर्निंग क्या होती है कि हम एक्शन से या मूवमेंट से लर्न करें, ठीक है, जैसे बुक ओपन करी, बुक के ऊपर फिंगर लगा के पढ़ा उसको, ठीक है, या तुमने कोई अल्फ़ाबेट ला के दे दिए उनको टच करके फील करके उनको पढ़ा, वो इनएक्टिव लर्निंग है. आइकॉनिक लर्निंग, लर्न थ्रू इमेजेस और आइकन्स के थ्रू लर्न करना, किसके, इमेजेस और आइकन्स के थ्रू लर्न करना, इमेजेस देख के पता लगाना, बताओ व्हाट इज़ दिस,
इट इज़ एप्पल एंड वट इज़ द बेबी डूइंग, बेबी इज़ क्रॉलिंग, बेबी इज़ जम्पिंग, ठीक है. देयर इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स वी हैव इन द मार्केट एंड वी कैन परचेज एंड देन वेन यू गिव टू टू ईयर बेबी एंड टीच हर इन वन डे टू एक्शंस, देन शी विल रिकॉग्नाइज नेक्स्ट डे बोथ एक्शंस. आपने बता दिया कि बच्चा क्रॉल कर रहे थे, ही इज क्रॉलिंग, ही इज जम्पिंग, ही इज डांसिंग, तो नेक्स्ट डे बता देगी यस मम्मा शी इज़ डांसिंग, शी इज़ जम्पिंग, ठीक है. फिर आती है सिम्बॉलिक लर्निंग. सिम्बॉलिक लर्निंग क्या है, जब एब्स्ट्रैक्ट सिंबल से मतलब रीजनिंग आ जाएगा, लॉजिकल आ जाएगा, जिसमें रिसर्च करके हम कुछ पढ़ें, ठीक है. इसलिए अब अवेट है, असेसमेंट्स भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी, ठीक है. फिर डिस्कवरी लर्निंग की बात की गई है. ब्रूनर बिलीव करता है कि जो स्टूडेंट हैं वो डिस्कवर करते हैं खुद से नई चीज़ों को, वो इंक्रीज़ करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि वो लर्न करें खुद से और मोटिवेट करें और मोटिवेटेड हों लर्न करने के लिए, ठीक है. ब्रूनर प्लस में सेकेंड चीज़ कहता है कि जो स्पायरल करिकुलम होना चाहिए. स्पायरल करिकुलम क्या करेगा, स्टार्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स. आपको जब कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो बच्चे के एक्सपीरियंसेस पूछने हैं, ठीक है. उसके बाद लुक फॉर पैटर्न्स, ये देखना है कि बच्चे के एक्सपीरियंसेस किस पैटर्न में बता रहा है. फिर नई इन्फॉर्मेशन थ्योरी को उसके साथ ऐड करना है. फिर उनको प्रैक्टिस कराना है स्किल्स का और बताना है कि हमें अब आगे क्या करना है एंड देन एक्शंस को अप्लाई करना है. ये एक स्पायरल तरीका होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ कि बच्चे आए सिंगिंग क्लास में, ठीक है. सिंगिंग क्लास में बच्चे आने के बाद बच्चों को बोला गया कि देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम सीखेंगे. इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में तुम क्या जानते हो, बच्चे बता देंगे हाँ ये ऐसे है, मेरे घर में भी बजाते हैं, वो करते हैं, करते हैं, ठीक है. तो बच्चे को अच्छा तुम्हें पता है कि सुर कितने होते हैं, तो बोलेंगे हाँ सात होते हैं. किसी ने बताया सारे गापा धानी ये होते हैं, ठीक है. किसी ने गा के गलत बताया, कुछ करके बताया, तो उनका पैटर्न सही नहीं था. फिर तुमने उसको ठीक किया, तुमने उनकी नॉलेज देख ली तो तुमने उसको ठीक किया. नहीं बेटा देखो ये हारमोनियम है, हारमोनियम एक सांस्कृतिक सॉरी क्या होता है मतलब बहुत ज़्यादा जो भी भाई म्यूज़िक के बारे में तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हारमोनियम ये है, हारमोनियम में सात स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नीसा, और सारे गामा पाधा नीसा को हम उल्टे में सानी धापा मगर ऐसा बोलते हैं. ऐसे लिखवा के तुमने किया उसको, फिर तुमने उसको वो प्ले भी करवा दिया सारे गामा पाधा नीसा, ठीक है, और ये प्ले करवा दिया. तो ये तुमने क्या किया, बच्चे का पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा, फिर आपने ये देखा कि उनका पैटर्न क्या था, उनको कितना आता था, फिर आपने उनकी नॉलेज को ही में ही नई नॉलेज को डाल दिया, फिर आपने उनको बोला कि चलो आप करके दिखाओ, और फिर आपने जो एक्शन था वो नेक्स्ट डे आपने करवा के दिखाया, इवेल्यूएट किया उनको कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है. तो स्पायरल करिकुलम में वहाँ ये कहते हैं. फिर डिस्कवरी लर्निंग और ट्रेडिशनल लर्निंग की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं हैंड ऑन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, वो डिस्कवरी लर्निंग में होता है. इसमें प्रोसेस पे एम्फेसाइज किया जाता है. फिर इसमें फेलियर इनकरेज द स्टूडेंट टू कंटिन्यू टू सर्च फॉर सॉल्यूशन. तो अगर बच्चा फेल भी हो रहा है तब भी उसको आप मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं आज जाओ ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो ढूंढ के करके लाओ, ये ऐसे ही होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. तो ये डिस्कवरी लर्निंग हो. ट्रेडिशनल लर्निंग में नॉलेज को ट्रांसफ़र करते थे कि जो तुम्हारे पास है तुमने बता दिया हाँ गाय के चार टांगे होती हैं तो बच्चा वो याद कर लेगा, ठीक है. फिर एम्फेसिस द रिजल्ट, रिजल्ट पे एम्फेसिस किया जाता है कि हाँ पढ़ो पास होना है पास होना है, ठीक है. और फेलियर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है. और फिर देखो स्पायरल करिकुलम की दोबारा से यहाँ पे बात हो रही है. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग फॉर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ऑन स्पेसिफिक नेरो टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक पे ज़्यादा टाइम ना देना. स्पायरल करिकुलम ट्राई करता है कि स्टूडेंट्स को एक्सपोज करें कि वो अलग अलग आइडियाज़ लेकर आए टॉपिक के बेसिस पे, नए नए आइडियाज़ को डेवलप करें, ठीक है. फिर आता है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन. क्लासरूम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है स्टडी मटेरियल, एक्टिविटीज़ और टूल्स, जिसमें क्लासरूम में आप आ रहे हो, आपने अपना बच्चों को पहले तो वर्बली इंस्ट्रक्शन दिया, फिर बच्चों को बोला कि ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक्स के बाद आपने उनको रीड करा दिया चैप्टर, फिर आपने बोला ओके क्लोज योर बुक्स एंड देन यू डिस्ट्रीब्यूटेड सम वर्कशीट्स फॉर देम, उन तुमने वर्कशीट दे दी, फिर तुमने वर्कशीट देने के बाद उनको काम करवाया एंड काम करवाने के साथ साथ तुमने उनको एक चार्ट ओपन करके दिया और उसके थ्रू आपके पास एक मार्कर है या एक पॉइंटर है जिसके थ्रू आपने उनसे इंट्रैक्शन किया और फिर उन लोगों ने आंसर भी लिखा, ठीक है. तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करोगे, एक्टिविटीज़ और टूल्स, ठीक है. फिर एग्जांपल्स ऑफ ऑल थ्री टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न
अबाउट डायनासोर्स, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्ट द मॉडल ऑफ डायनासोर, ये नेगेटिव हो गया, वॉच अ फिल्म अबाउट डायनासोर आइकॉनिक हो गया, फिर कंसल्ट करो रेफरेंसेस टेक्स डिस्कशंस देखो कि किस किस ने किया है, ये सिम्बॉलिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्कैफोल्डिंग थ्योरी की बात हो रही है, मैं तुम्हें भी बताया था, वो कहते हैं कि ही यूज्ड द टर्म टू डिस्क्राइब यंग चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, इन्होंने ये यूज़ किया है कि जो यंग चिल्ड्रन हैं, यंग बच्चे हैं, ठीक है, वो ओरल लैंग्वेज एक्विजिशन में, जो ओरली उनको लैंग्वेज सीखनी है वो, ठीक है, हेल्प बाय देयर पेरेंट्स व्हेन दे फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग टू स्पीक, तो जो पेरेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं जब वो बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं। यंग चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाती है कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लैंग्वेज लर्न करने के, बेड टाइम स्टोरीज या तेज़ तेज़ पढ़ो ऐसे रीड अलाउड, और ये कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये स्कैफोल्डिंग थ्योरी है। देखो स्कैफोल्डिंग होती क्या है ये बता देती हूँ एक बार तुम्हें। स्कैफोल्डिंग होता है जिसमें जो बच्चा है वो जो हमारा एक नॉलेजेबल एक इंसान होगा उससे हेल्प लेके, ठीक है, वो कुछ आगे बढ़ता है, उससे हिंट लेके वो आगे बढ़ता है, ठीक है, जो वो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये वाइगोत्स्की ने दिए बेसिकली, ये मैं तुम्हें अभी थोड़ा सा दिखा दूँगी, एक बार इसका कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या है इस थ्योरी का कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ब्रूनर का, वो कहता है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, लर्नर लर्न करता है, नई आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करता है जो उसके पास पहले से नॉलेज होती है उसके बेसिस पे, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शंस कंसर्न होते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर है वो ट्राई करे, इनक्रेज करे स्टूडेंट को कि वो नए जो प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करे, बच्चों को एक्टिवली डायलॉग्स में इंडल्ज करें, ठीक है, एंगेज करें। फिर करिकुलम ऐसा होना चाहिए, स्पायरल मैनर में होना चाहिए ताकि बच्चे का देखा जाए कि उसको क्या आता है, फिर उसको क्या सिखाना है, उसको किस तरीके से सिखाना है, और फिर जो सिखाया है क्या उसने सीखा है या नहीं। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस थ्योरी। देखो जब हम कुछ बना रहे होते हैं, स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो यूज़ किया जाता है जो वर्करी होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है ना, ये प्रोवाइड करता है मटेरियल कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस में, या बिल्डिंग को रिपेयर करने में, ठीक है। अगर हम इसको एजुकेशन में देखें क्या है, जो फिलॉसफी है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में अगर हम यूज़ करें, एंड वर्क्स ऑलमोस्ट द सेम वे टू बिल्ड बच्चे में इंडिपेंडेंस बनाने के लिए। जो आइडिया है दैट इज़ दैट न्यू लेसन एंड कॉन्सेप्ट्स कैन बी मोर रीडिली अंडरस्टूड एंड कम्प्रीहेंडेड, जो नए लेसन्स हैं नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इजीली बच्चे को समझ आ जाएंगे अगर उनको सपोर्ट दी जाए, जो बच्चे लर्न कर रहे हैं उसके बीच में अगर उनको क्वेरी आ रही है अगर उनको सॉल्व किया जाए। तो स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व करती है टीचिंग में, जब एक बच्चा कुछ नया सीखता है, ठीक है, और जो उसको कुछ ऑलरेडी नो हो उसको जानता हो, उसके साथ आप उसको रिलेट करके नई चीज़ सिखाओगे तो उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो वो क्या है, वो स्कैफोल्डिंग है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये CTET के लिए भी ज़रूरी है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना। देखो ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही और शी कैन अचीव विद गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर या पर्सन। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर करता है उस डिफरेंस को, जो क्या डिफरेंस बताता है कि एक लर्नर है जो बिना हेल्प के कुछ काम कर रहा है, कुछ अचीवमेंट ले रहा है, और एक है जो गाइडेंस और एनकरेजमेंट, किसकी एनकरेजमेंट, कोई स्किल्ड पर्सन है, कोई टीचर है, कोई पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्प से कुछ अचीव कर रहा है। तो जो टर्म है प्रॉक्सिमल रेफर करता है वो स्किल्स जो एक लर्नर मास्टर्स पाने में, मतलब मास्टरी हासिल करने में हेल्प मिलती है उसको, ठीक है। तो वो प्रॉक्सिमल मतलब एक टाइम पीरियड में जब वो चीज़ें सीख लेता है वो है। देखो व्हाट इज़ नोन कि उसको क्या पता है, ठीक है। उसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, स्किल्स टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज ऑन बट दैट कैन बी डन विद गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्किल ऐसी होती हैं जो बच्चा खुद से नहीं सीख सकता, तो वो गाइडेंस और एनकरेजमेंट अगर किसी का मिले तो वो कर सकता है। और क्या सीखेगा वो, जो उसको नहीं पता है। तो जो वो डिफरेंस है ना दोनों में कि जो उसको पता है और उसके बाद जो उसको और गाइडेंस के बाद जो पता चला है, ठीक है, जो उसको पता नहीं था उसके बाद उसने लर्निंग की, उसकी हेल्प हुई, उसको गाइडेंस दिया गया, उसके बाद उसको पता चला है, तो वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये ले वाइगोत्स्की ने दिया था, जिनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं,
जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं जो डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एज डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट एज डिटरमाइंड थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर अडल्ट गाइडेंस इन कोलाबोरेशन विद मोर कैपेबल पीयर्स या मोर नॉलेजेबल अदर्स भी बोलते हैं। एम के ओ भी आता है जब थ्योरी की बात करते हैं हम, कि जो हमें एक बार हम यहाँ खड़े थे कि आपको पता था कि ये वाला टॉपिक आपको नहीं आता, लेकिन मैंने अब तुम्हें समझा दिया तो तुम अब इस टॉपिक के बारे में जान पाए हो और अब तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बता पाओगे। तो जो ये डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है, वो क्या है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोस्की बिलीव करते हैं कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसका हर टास्क में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है और उसको प्रॉपर हमें असिस्टेंट करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट गाइडेंस देना पड़ता है ताकि वो टास्क को अचीव कर पाए। ठीक है, तो एक पर्सन को असिस्ट करने के लिए कि वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू जाए, तो एजुकेटर्स जो है वो एनकरेज करेंगे, फोकस करेंगे तीन कॉम्पोनेंट पर, कौन कौन से, कि प्रेजेंस ऑफ समवन विद नॉलेजेबल एंड स्किल बियॉन्ड दैट ऑफ द लर्नर, बच्चे से ज़्यादा नॉलेजेबल हो। देखो, मोर नॉलेजेबल अदर दे रखा है, ये है MK हो। फिर सोशल इंट्रैक्शन विद अ स्किलफुल ट्यूटर दैट अलाउ द लर्नर टू ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस देयर स्किल, सोशल इंट्रैक्शन हो, जो स्किलफुल ट्यूटर है पर्सन है उसके साथ। फिर स्कैफोल्डिंग होगी, स्कैफोल्डिंग क्या है? सपोर्टिव एक्टिविटीज़ जो प्रोवाइड करेगा एजुकेटर, ठीक है, या कोई अगर जो फ्रेंड है उसका उसको ज़्यादा आता हो वो, ठीक है, तो वो जो सपोर्ट मिलेगी स्टूडेंट की, वो जो सपोर्ट होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे? ZPD। क्योंकि जो ये डिस्टेंस है, जो उसने अचीव किया है, वो किसके थ्रू किया है? वो जोन ऑफ जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसे क्रॉस करके वो आया है। तो जो वो प्रोसेस है ना पूरी की पूरी, जिसमें उसको हेल्प मिली है, उसने अचीव किया है और जो रिजल्ट आया है, वो स्कैफोल्डिंग होगी प्रोसेस, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, इंटरेक्टिव हैं, बहुत एडल्ट हैं, या कोई भी बड़ा पेरेंट जो बच्चों को हेल्प कर रहा है, ठीक है। सोशल इंट्रैक्शन, जब सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है बच्चा और इंट्रैक्शन करने के बाद वो कुछ नया सीखता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ZPD सिनोनियम बनता है लिटरेचर में स्कैफोल्डिंग का, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वाइगोत्स्की ने कभी भी इनको सेम यूज़ नहीं किया, ठीक है। स्कैफोल्डिंग कंसिस्ट करता है उन एक्टिविटीज़ को जो एजुकेटर प्रोवाइड करता है, ठीक है, या कोई मोर कम्पिटेंट जो पीयर है, जो ज़्यादा आता है, जो फर्स्ट आता है, वो एवरेज बच्चे को पढ़ा रहा है, जो सपोर्ट देता है स्टूडेंट को, ठीक है, जो और वो जो सपोर्ट जाएगी किसके थ्रू जाएगी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। तो जो सपोर्ट है, सपोर्ट इज टैपर्ड ऑफ, विदड्रॉन की जाती है एज इट बिकम्स अननेसेसरी, जब वो ज़रूरी नहीं होती। मच एज अ स्कैफोल्ड इज रिमूव फ्रॉम अ बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, द स्टूडेंट विल देन बी एबल टू कम्प्लीट द टास्क अगेन ऑन हिज ओन। जब उसको समझा दिया जाएगा, गाइडेंस कर दिया जाएगा, उसके बाद वो अपने आप टास्क कर पाएगा, ठीक है। तो जो वो डिस्टेंस होगा वो तो क्या होगा? ZPD। और जो वो अचीवमेंट होगी जो उसने की होगी, वो जो प्रोसेस होगी, जो उसको नहीं पता था और उसको पता लग गया, वो प्रोसेस होगी स्कैफोल्डिंग। लेकिन जो डिस्टेंस था कि अब उसे इतना आता था लेकिन उसको गाइडेंस के बाद इतना आया, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जो देखो वुड एट ऑल हैं, ये क्या डिफाइन करते हैं? स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो एनेबल करता है बच्चे को कि वो एक टास्क को अचीव करें, एक गोल को अचीव करें अनअसिस्टेड एफर्ट से, ठीक है, या असिस्टेड एफर्ट से, कुछ भी कह सकते हो। देखो जैसे जनरल इंकरेजमेंट क्या है? नाउ यू हैव अ गोल। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं? गेट 4 big blocks, 4 blocks लेकर आओ। डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? शोइंग द चाइल्ड हाउ टू प्लेस द ब्लॉक, 1 block ऑन अनदर, और ये आप दिखा रहे हो कि एक ब्लॉक के ऊपर कैसा रखा जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा स्टडी का? कि नो सिंगल स्ट्रेटजी वॉज बेस्ट फॉर हेल्पिंग द चाइल्ड टू प्रोग्रेस। एक सेकेंड रुको, तो जो मारिया थी उसको पूरा असिस्टेंस दिया गया और इस असिस्टेंट के बाद वो बहुत अच्छे से ये कर पाई, ठीक है, किसके थ्रू कर पाई? मोर नॉलेजेबल अदर्स के, उसने हेल्प की, उनकी हेल्प से उसने टास्क को सक्सीड किया, वो जीत पाई। ऐसे ही अगर आपके क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसको आपको दिख रहा है कि वो बिल्कुल थोड़ी सी असिस्टेंट के लिए बेचारा एक चीज़ गलती कर रहा है, लेकिन
उस गलती को पता नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको हेल्प करोगे तो वो थ्रू स्कैफोल्डिंग के प्रोसेस से वो उस टास्क को अचीव कर पाएगा, वो जान पाएगा कि मेरी कहाँ गलती है और वो उसको अच्छे से कर लेगा। तो जो वो था, जब वो काम नहीं कर पा रहा था, वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, परेशान हो गया था, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में था, लेकिन जब ये प्रोसेस पूरी हुई, उसने अपने अचीव गोल को अचीव कर लिया, तब वो किस में था, तब वो स्कैफोल्डिंग की प्रोसेस में आ गया। ठीक है, तो ये था आपका ब्रूनर की थ्योरी प्लस में कंस्ट्रक्टिविज्म, ये भी लर्निंग का ही था। अब मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको जो दूसरी हमारा टॉपिक है वो करूँगी। थैंक यू सो मच।